दो रीजन रीजन लगते लगते हैं, हैं, बहुत बहुत सारा सारा रीजन रीजन हो हो सकते सकते हैं हैं कि कि हम हम संस्कृत संस्कृत को को मतलब मतलब हमें हमें क्यों क्यों पढ़ना पढ़ना चाहिए। चाहिए। मेरा मेरा पहला पहला रीजन रीजन लगता लगता है है कि कि हमारे हमारे जो जो प्राचीन प्राचीन ग्रंथ ग्रंथ है है वो वो सारे सारे संस्कृत संस्कृत में में हैं, हैं, जैसे जैसे वेद, वेद, उपनिषद, उपनिषद, पुराण, पुराण, महाभारत, महाभारत, रामायण रामायण और और जो जो सांख्य सांख्य का का बहुत बहुत सारे सारे पुस्तकें पुस्तकें हैं हैं वो वो संस्कृत संस्कृत में में ही। ही। तो तो हम हम और और वो वो जानने जानने के के लिए लिए ग्रामर, ग्रामर, संस्कृत संस्कृत ग्रामर ग्रामर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, है, क्योंकि क्योंकि अगर अगर आप आप समझना समझना चाहते चाहते हैं हैं कि कि संस्कृत संस्कृत में में क्या क्या लिखा लिखा है, है, जैसे जैसे कि कि हमारी हमारी हिस्ट्री हिस्ट्री क्या क्या थी, थी, हमारा हमारा कल्चर कल्चर कैसा कैसा था, था, लोग लोग कैसे कैसे थे, थे, एक एक हम हम बोल बोल सकते सकते हैं हैं कि कि हमारे हमारे डीएनए डीएनए कैसा कैसा था। था। उसके उसके लिए लिए हमें, हमें, मुझे मुझे लगता लगता है है कि कि हमको हमको संस्कृत संस्कृत जाननी जाननी चाहिए चाहिए ताकि ताकि हम हम पहले पहले की की सोसाइटी, सोसाइटी, पहले पहले के के रिचुअल्स रिचुअल्स को को जान जान पाएंगे पाएंगे कि कि लोग लोग क्या क्या फॉलो फॉलो करते करते थे, थे, उनका उनका बिलीव्स बिलीव्स क्या क्या था। था। और और दूसरा दूसरा रीजन रीजन लगता लगता है है कि कि ये ये संस्कृत संस्कृत बहुत बहुत प्राचीन प्राचीन भाषा भाषा है है और और बहुत बहुत सारी सारी लैंग्वेजेस लैंग्वेजेस इससे इससे निकली निकली हैं। हैं। तो तो अगर अगर आप आप बहुत बहुत इच्छुक इच्छुक है है कि कि मुझे मुझे दूसरों दूसरों दूसरी दूसरी लैंग्वेज लैंग्वेज को को जानना जानना है है और और उनका उनका कल्चर कल्चर क्या क्या है है उसको उसको जानना जानना है, है, तो तो संस्कृत संस्कृत बहुत बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रोल रोल प्ले प्ले करती करती है। है। जैसे जैसे कि कि मैं मैं आपको आपको एग्जाम्पल एग्जाम्पल बताऊंगी बताऊंगी कि कि मैं मैं जब जब मैं मैं कर्नाटक कर्नाटक में में रही रही थी थी तो तो मुझे मुझे ये ये सौभाग्य सौभाग्य मिला मिला था था कन्नड़ कन्नड़ सीखने सीखने का। का। अगर अगर मैं मैं ये ये 100% हंड्रेड परसेंट श्योर श्योर कह कह रही रही हूँ हूँ कि कि अगर अगर मैं मैं संस्कृत संस्कृत नहीं नहीं सीखती सीखती तो तो बहुत बहुत टाइम टाइम लग लग जाता जाता मुझे मुझे कन्नड़ कन्नड़ सीखने सीखने में। में। पर पर मुझे मुझे 6 मंथ से6 मंथ से 1 ईयर1 ईयर के के अंदर 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 मैं मैं कन्नड़ कन्नड़ सीख सीख गई गई थी। थी। वो वो रीजन रीजन ये ये था था कि कि बहुत बहुत सारे सारे वर्ड वर्ड कन्नड़ा कन्नड़ा के के और और भी भी विभ्रांश विभ्रांश जी जी अपना अपना माइक माइक म्यूट म्यूट कीजिए। कीजिए। तो तो बहुत बहुत सारे सारे वर्ड्स वर्ड्स जो जो लैंग्वेजेस लैंग्वेजेस में में है है वो वो सारे सारे संस्कृत संस्कृत के के ही ही मुझे मुझे सिमिलरिटी सिमिलरिटी लगती लगती थी थी कि कि हाँ हाँ ये ये शब्द शब्द भी भी संस्कृत संस्कृत का का ही ही लिया लिया गया गया है। है। और और मैं मैं जो जो मैं मैं ग्रामर ग्रामर या या संस्कृत संस्कृत की की पढ़ी पढ़ी थी थी मैं मैं वो वो कन्नड़ा कन्नड़ा की की ग्रामर ग्रामर थी थी उसमें उसमें भी भी वो वो फॉलो फॉलो करती करती थी। थी। कृपया कृपया जो जो यहाँ यहाँ अपना अपना माइक माइक म्यूट म्यूट रखिए रखिए ताकि ताकि दूसरे दूसरे लोगों लोगों को को प्रॉब्लम प्रॉब्लम ना ना हो। हो। श्रवण श्रवण जी जी थोड़ा थोड़ा आप आप ध्यान ध्यान रखिए, रखिए, जो जो इधर इधर उधर उधर कर कर रहे रहे हैं हैं उनकी उनकी आप आप चिकित्सा चिकित्सा कर कर दीजिएगा। दीजिएगा। और और आप आप लोग लोग से से फिर फिर से से निवेदन निवेदन है, है, माइक माइक बंद बंद रखिए, रखिए, बार 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 आप आप डिस्टर्ब डिस्टर्ब करेंगे करेंगे तो तो आपको आपको मीटिंग मीटिंग छोड़नी छोड़नी पड़ पड़ सकती सकती है। है। तो तो बहुत बहुत सारी सारी लैंग्वेजेस लैंग्वेजेस आपको आपको सीखनी सीखनी है है तो तो भी भी संस्कृत संस्कृत बहुत बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। है। आप आप अगर अगर संस्कृत संस्कृत एक एक लैंग्वेज लैंग्वेज सीख सीख जाएंगे जाएंगे तो तो मैं मैं ये ये श्योर श्योर कह कह सकती सकती हूँ हूँ कि कि भारत भारत की की सारी सारी लैंग्वेज लैंग्वेज को को आप आप इजीली इजीली ग्रास्प ग्रास्प कर कर सकते सकते हैं। हैं। और और ये ये तो तो सब सब जानते जानते ही ही है है कि कि एक एक लैंग्वेज लैंग्वेज में में उसका उसका कल्चर कल्चर होता होता है, है, इसीलिए इसीलिए लोग लोग लैंग्वेज लैंग्वेज के के पीछे पीछे आप आप अभी अभी रिसेंटली रिसेंटली जो जो क्या क्या नाम नाम कर्नाटका कर्नाटका में में जो जो तुळु तुळु लैंग्वेज लैंग्वेज है है उसके उसके लिए लिए डिमांड डिमांड कर कर रहे रहे हैं हैं कि कि ये ये भी भी एक एक ऑफिशियल ऑफिशियल लैंग्वेज लैंग्वेज का का दर्जा दर्जा होना होना चाहिए, चाहिए, क्योंकि क्योंकि लैंग्वेज लैंग्वेज रहेगी रहेगी तो तो ही ही उसका उसका कल्चर कल्चर रहता रहता है। है। यदि यदि लैंग्वेज लैंग्वेज नहीं नहीं है है तो तो लोग लोग भूल भूल जाएंगे जाएंगे रीति रीति रिवाज रिवाज सब सब कुछ कुछ मतलब मतलब खत्म खत्म हो हो जाएगा। जाएगा। और और हम हम देख देख रहे रहे हैं हैं कि कि इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज लैंग्वेज ओके ओके हमको हमको सीखनी सीखनी चाहिए चाहिए लेकिन लेकिन उसका उसका दुष्परिणाम दुष्परिणाम हम हम सब सब भुगत भुगत रहे रहे हैं हैं कि कि हम हम अपना अपना कल्चर कल्चर भूल भूल रहे रहे हैं। हैं। और और जो जो फॉरेनर फॉरेनर है है वो वो हमारा हमारा योग योग सब सब कुछ कुछ वो वो उसको उसको मतलब मतलब अप्लाई अप्लाई कर कर रहे रहे हैं हैं अपनी अपनी लाइफ लाइफ में में जबकि जबकि हमको हमको भी भी करना करना चाहिए चाहिए वो। वो। तो तो उसके उसके लिए लिए भी भी संस्कृत संस्कृत का का अध्ययन अध्ययन बहुत बहुत आवश्यक आवश्यक है। है। उससे उससे आप आप अपना अपना कल्चर कल्चर और और अपना अपना क्या क्या नाम नाम डीएनए डीएनए जान जान पाएंगे पाएंगे कि कि मैं मैं कौन कौन हूँ, हूँ, मुझे मुझे क्या क्या करना करना चाहिए, चाहिए, मेरे मेरे पूर्वजों पूर्वजों ने ने हमको हमको किस किस उद्देश्य उद्देश्य से से भेजा भेजा है, है, हमको हमको कैसा कैसा एक एक श्रेष्ठ श्रेष्ठ आदमी आदमी बनना बनना चाहिए। चाहिए। तो तो ये ये मैं मैं आपको आपको रीजन रीजन बता बता रही रही हूँ। हूँ। आपका आपका अपना अपना भी भी रीजन रीजन हो हो सकता सकता है है कि कि कोई कोई फिलोसॉफी फिलोसॉफी में में इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड हो हो तो तो वो वो भी भी उसको उसको भी भी हो हो सकता सकता है है कि कि मुझे मुझे संस्कृत संस्कृत जाननी जाननी है। है। ऐसे ऐसे बहुत बहुत सारे सारे रीजन रीजन हो हो सकते सकते हैं। हैं। चलिए चलिए शुरुआत शुरुआत करते करते हैं हैं कि कि संस्कृत संस्कृत मतलब मतलब हम हम कहाँ कहाँ से से स्टार्ट स्टार्ट करेंगे। करेंगे। तो तो जैसे जैसे सर सर ने ने दिया दिया है है हमें हमें कि कि प्रारंभिक प्रारंभिक रचनानुवाद रचनानुवाद कौमुदी कौमुदी आपको आपको फॉलो फॉलो करनी करनी है। है। तो तो इस सबसे सबसे पहले पहले मैं मैं ये ये बोलना बोलना चाहूंगी चाहूंगी कि कि अगर अगर आप आप
आप उसको चेंज करिए, अपना जो जो भी सोचते हैं ना उसको संस्कृत में सोचने की ट्राई करिए कि जैसे लोग जैसे आत्मनिरीक्षण करते हैं तो उसको आप संस्कृत में कर सकते हैं कि आप अगर आप हिंदी का यूज करते हैं, हाँ मैं आज ये मेरा रूटीन था, तो आप उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा। वो आपको बाद में ग्रामर के रूल्स बताएंगे, आप फॉलो करते रहना, आप जितना हो सकता है उतना आप थिंकिंग में मतलब उसको अप्लाई करना संस्कृत को। दूसरा है लिसनिंग, सुनना। आप जैसे हम स्पोकन कोई भी इंग्लिश क्लास या फिर स्पोकन जर्मन फ्रेंच कोई भी क्लास में जाएंगे ना तो वो ये बोलेंगे कि आप मूवीज देखो, आप गाने सुनो। मैं भी यही कहूंगी कि जो भी संस्कृत में आपको अवेलेबल होता है सोर्सेस, जैसे यूट्यूब में वीडियोस होंगे, आपके पास कुछ स्तोत्र होंगे, उनको आप सुनिए। सुनने से है ना संस्कार भी बैठेगा और आपको थोड़े थोड़े मालूम भी पढ़ने लगेगा। आपको जो भी यहाँ पे सिखाया जाएगा आपको, आप सोचेंगे कि हाँ ये मैं वहाँ ये ग्रामर रूल के कारण वहाँ पे ये विभक्ति आ रही है, ये प्रत्यय हुआ है, ये सही है। आप अशुद्धि भी अगर कुछ अशुद्धि देखेंगे तो आप उसको फाइंड आउट कर पाएंगे वहाँ पे। तो दूसरा है लिसनिंग, आप मतलब सुनना। तीसरा है स्पीकिंग, आप बातचीत करिए। आपके यदि कोई फ्रेंड्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, रिलेटिव्स हो, उनसे बात करिए। अगर कोई नहीं मिल रहा है तो अपने आप से बात करिए, उसमें कोई भी वो नहीं सोचना कि क्या सोचेंगे लोग, तो सोचते रहेंगे। आपको सीखना है ना तो आप अपने कोई नहीं मिल रहा है तो खुद से ही बातें करो, और नहीं कर पा रहे तो आप जो आप सोच रहे ना उसको लिखने की ट्राई करो, वो भी आपको हेल्पफुल होगी। चौथा है रीडिंग, कुछ भी दिन में कुछ भी पढ़ सकते हैं आप। स्वाध्याय के तौर पे कोई संस्कृत बुक्स ले सकते हैं, संस्कृत भारती जैसे एक संस्था है तो वो मैगजीन निकालती है हर मंथ की, तो वो वहाँ पे बहुत इजी संस्कृत होती है, उतना टफ नहीं होता है। और जैसे हिंदी आप हम जानते ही है तो हमारे लिए उतना टफ नहीं होगा, वो समझ में आ जाएगा हमें, तो एक एक पेज आप पढ़ सकते हैं उसके, या फिर आपकी जो इच्छा हो आप जो भी स्वाध्याय के तौर पे पढ़ते हैं रामायण महाभारत आदि आप उसको फॉलो कर सकते हैं। राइटिंग, आपको अगर हो सके तो आप राइटिंग की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं यहाँ जो भी आपको ग्रामर रूल्स बताऊंगी, आप कोई भी टॉपिक लेके जैसे भारत आपने ले लिया और उसके ऊपर आपने 10 पॉइंट ऐसे लिखना है, तो उससे आपकी होगा क्या कि आप जो जो मिस्टेक्स कर रहे हैं ग्रामर रूल्स करेक्शन हो जाएगा उससे, और आपको आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो ये 5 स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है कि आप लोग एटलीस्ट 3-4 को तो जरूर फॉलो करना, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज हो इजी तो थोड़ा तो टफ होता ही है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो वो जरूर आ ही जाएगी। अब हम शुरू करते हैं कि अब पढ़ना क्या है। तो प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी रखी गई है। आज मैं आपको कुछ बताऊंगी कि कैसे इसको फॉलो करेंगे। एक मिनट रुकना, मैं आपको शेयर करती हूँ स्क्रीन। सबको दिख रहा है ना? एक्चुअली मेरा पहला पहली बार है, तो कृपया आंसर देना आप लोग। देखिए ये इम्पोर्टेंट पेज है, आप आपको कैसे ये बुक फॉलो करनी है उसके लिए ये बहुत जरूरी है ये। हाँ तो इसमें 6 स्टेप बताए हैं कि किस किस चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या आपको कैसे इसको अप्लाई करना है। पहले स्टेप, पहला इन्होंने पॉइंट दिया है कि इसमें टोटल 30 अभ्यास होंगे, 30 होंगे, और प्रत्येक में 20 शब्द दिए जाएंगे। हर एक अभ्यास में 20 शब्द होंगे तो टोटल 600 शब्द कवर हो जाएंगे। और उस 600 शब्द मतलब वो वर्ब भी हो सकते हैं या फिर वर्ड भी हो सकते हैं, मतलब जैसे मतलब क्या लिखती ऐसे भी हो सकता है, और कोई राम लक्ष्मण रमा पुष्पम ऐसे शब्द भी हो सकते हैं। तो उसके जो रूप बताएंगे ना, जैसे हम इंग्लिश में जैसे गो है जाना है तो उसका हम गो वेंट गॉन करते हैं,
तो यहाँ पे भी ठीक हर एक शब्द का रूप बताया जाएगा, उसको आप वहीं पे स्मरण कर लेना, वो इजी होगा। हर एक अभ्यास का उसी समय ही कवर करते जाना कि आपको बाद में वो बर्डन ना लगे। दूसरे पॉइंट में लिखा गया है कि जो अभ्यास होगा उसमें सबसे पहले शब्दकोश दिया जाएगा। उस शब्दकोश में चार उसके भाग दिए गए हैं, उन भागों का नाम है क ख ग घ। क भाग में आपको संज्ञा शब्द दिए जाएंगे। संज्ञा मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान का जो बोधक होता है शब्द, उसको हम संज्ञा कहते हैं। नॉर्मली हम लैंग्वेज में नाम बोल सकते हैं, नेम, उसको संज्ञा बोलेंगे। और ख ख में जो ख भाग होगा उसमें धातु या क्रिया शब्द का उल्लेख किया जाएगा। धातु मतलब रूट होता है। जैसे इंग्लिश में भी कोई भी इंग्लिश का वर्ड होगा तो वो एक रूट से निकलता है। यहाँ पे भी कोई भी एक वर्ब होगी तो उसके पहले उसकी रूट होगी। जैसे लिखती है तो लिखती इस वर्ब की रूट है लिख। पठती है, पठती इस वर्ब की रूट है पठ। तो वो जानना है क्रिया शब्द वर्ब होता है। ग भाग में आपको अव्यय के बारे में बताएं, मतलब कुछ शब्द प्रोवाइड करेंगे। अव्यय वो शब्द होते हैं जिनके हमेशा मतलब वचन लिंग से जो कभी चेंज नहीं होते हैं, हमेशा एक समान ही रहते हैं। जैसे च है, किंतु, परंतु, हिंदी में भी हम शब्द देखते हैं, और, अथवा, ये सारे भले ही वाक्य में कैसा भी हो, पुल्लिंग हो, नपुंसकलिंग, कैसे भी शब्द आए, पर च हमेशा च ही रहता है। ऐसे ही और हमेशा और ही रहता है, चेंजेस नहीं आते ना, तो उनको अव्यय कहते हैं। तो वो भी आपको प्रोवाइड ये करेंगे। और घ भाग में विशेषण पद को ये देंगे हमें। विशेषण मतलब जो संज्ञा की विशेषता बताए। जैसे कि हम संज्ञा यहाँ पे नेम है, कोई भी नेम ले लो, जैसे कोई स्टूडेंट है तो उसकी जो विशेषता बताए। अब स्टूडेंट तो सारे ही है, पर मैं उसकी एक विशेषता बता दूं कि ये बहुत स्टूडियस है, या फिर ये बहुत इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, या फिर बहुत लेजी है। तो जो मैं बता रही हूँ ना कि वो आलसी है, वो बहुत पढ़ाई करने वाली है, बहुत होशियार है, ये जो होशियार, पढ़ाई करने वाली, बहुत आलसी, ये सब उसके विशेषण हो जाएंगे। तो वैसे शब्द भी आपको प्रोवाइड यहाँ पे करेंगे। तीसरे भाग में है कि हम ये पीडीएफ में देखेंगे तो यहाँ पे तो एक के बाद एक है, पर यदि ओरिजिनल बुक में देखें तो वहाँ पे हर एक जो अभ्यास होगा उसके दो पन्ने होंगे, दो पृष्ठ होंगे। पहला बाई ओर होगा, दूसरा दाई ओर होगा। तो आप यही समझ लो कि या इस पीडीएफ में जब अभ्यास स्टार्ट होगा तो जो पहला, जो अभ्यास का जो पहला पेज होगा उसको आप बाई ओर समझ लेना, जो दूसरा पेज होगा उसी को दाई ओर समझ लेना। जो बाई ओर होगा उसमें जो जो फर्स्ट पेज होगा ना उसमें आपको शब्दकोश और ग्रामर के रूल्स कुछ बताएंगे, और जो दूसरा, जो उसका ही, उससे ही रिलेटेड जो दूसरा पेज होगा उसके अंदर जो हमने पहले पेज में डिस्कशन किया है, जो ग्रामर के रूल्स बताए हैं, उसी को ही एक्सप्लेन करेंगे, उदाहरण देंगे आपको, आपको संस्कृत बनाने के लिए कुछ हिंदी वाक्य दे देंगे, अशुद्ध वाक्य देंगे जिनको आपको शुद्ध करना होगा, और कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको दे दिया जाएगा। जैसे अगर संधि का कोई टॉपिक, संधि का कोई रूल्स बताया है ऊपर, तो नीचे कुछ संधि दे देंगे कि हाँ ये संधि है, इसको बनाओ। हेलो, आवाज आ रही है ना? यस मैम, आ रही है। जी मैम, आ रही है। हाँ, चौथे में आपको बताया जाएगा कि अगर आपको रूल्स मालूम नहीं पड़ रहे हैं, जो पहला, जैसे अभ्यास एक है और उसका पहला पेज है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि पता नहीं क्या बताया ये ग्रामर, तो जो सेकंड पेज होगा उसके अंदर आपको जो शुद्ध वाक्य से शुद्ध वाक्य करना है, जो अभ्यास प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे उससे आप आराम से समझ लेंगे कि हमको क्या रूल्स बताए गए हैं। पांचवे में है कि यदि आपको स्टार चिन्ह दिखाई देगा और फिर कोई सेंटेंस लिखा होगा, मतलब उसका मतलब होगा कि बहुत इम्पोर्टेंट वाक्य है।
नॉर्मली स्टार जो होगा वो इसी का संकेत करेगा कि बहुत ही जरूर, मतलब ये हमको ये दिमाग में डाल देना है, ऐसा मतलब वो सेंटेंस होगा। और छठे में और पांचवे में एक और पॉइंट है कि रिपीटेशन नहीं होगा। अगर एक बार इन्होंने लेखक ने बता दिया है कि ये अशुद्धि है तो हर पेज पे वो नहीं बताएंगे कि हाँ ये अशुद्धि बार बार उसका उल्लेख नहीं करेंगे। और एक बार बता दिया है कि राम राम जैसे बन शब्द जैसे उसके रूप चलेंगे तो, और एक समझ लो एक में बता दिया है कि राम के ऐसे रूप चलेंगे तो ऐसे ही आपको अकारांत जितने भी पुल्लिंग शब्द है कृष्ण अज उन सबके चलाने हैं, तो फिर वो बार बार और अभ्यासों में उसका उल्लेख नहीं करेंगे, मतलब रिपीटेशन नहीं होगा यहाँ पे। छठे पॉइंट में है कि छठे पॉइंट में है कि एक मिनट, हाँ जो शब्द और जो मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है आपकी, एक मिनट मैम आपके भी स्क्रीन नहीं दिख रही है, एक मिनट नहीं दिख रही है ना और छठे पॉइंट में है कि जो आपको जो 30 अभ्यास में जो शब्द और जो आपको क्रियापद बताएंगे तो उनको उनके रूप जानने हैं तो वो पुस्तक के एंड में आपको दे देंगे, तो आप अगर पुस्तक के सारे 30 अभ्यास के बाद में आप देखेंगे तो आपको शब्द रूप और धातु रूप वहां मिल जाएंगे। उसके साथ में ये एक से लगा के 100 तक की गिनती भी दे रहे हैं और 18 मुख्य संधियां देंगे और 10 प्रत्यय देंगे सफिक्स, और जो जो मतलब जो उन प्रत्ययों से जो रूप बनेंगे ना उसके भी कैसे रूप चलाने हैं वो भी ये प्रोवाइड करेंगे, और लास्ट में ये ऐसे भी कुछ देंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, कुछ हिंदी ऐसे दे देंगे कि आप संस्कृत में बनाओ ताकि आपकी संस्कृत लैंग्वेज और इम्प्रूव हो जाए। तो ये हमने जान लिया, अब हम पहला अभ्यास शुरू करते हैं। किसी को कोई डाउट है क्या इसके बारे में तो बताइए। मैम जो आपने फर्स्ट फर्स्ट टाइम जो स्क्रीन दिखाया था, फर्स्ट में जो स्क्रीन दिखाया उसमें जो 3 पॉइंट्स थे उससे आगे ना आपकी स्क्रीन शो नहीं हुई मुझे, तो एक बार दोबारा से डाल देंगे उसको। हाँ चौथा पॉइंट, हाँ ये रहा चौथे पॉइंट में यही है कि अगर आपको कोई ग्रामर रूल समझ में ना आए तो जो अशुद्ध जो सेकंड पेज में अशुद्ध वाक्य से शुद्ध वाक्य बनाना है और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे उससे आप ग्रामर के रूल समझ पाएंगे। समझ में आया या फिर और एक बार एक्सप्लेन करूं? जी मैम। आ गया या फिर एक बार और करूं? ओके मैम। जी मैम समझ आया। हाँ वो धीमे, चलो ये नहीं आया ना एक दो बार पढ़ेंगे ना या फिर ये प्रैक्टिकल हम करेंगे ना अभ्यास में तो आपको समझ में आ जाएगा आई थिंक। और अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हिंदी लैंग्वेज में हम लिंग बोलते हैं। अब मैं आपको कुछ बेसिक बता दूंगी कि मैं आपको एक स्क्रीन ही शेयर कर लूंगी ताकि आपको उतनी प्रॉब्लम ना हो। दिख रहा है ना? मैम अभी स्क्रीन नहीं शो हो रही है, अभी स्टॉप शेयरिंग आ रहा है। अब थोड़ा ज़ूम कर। हाँ तो सबसे पहले चैप्टर में डिस्कशन, सबसे पहले चैप्टर में फर्स्ट सबसे पहले हाँ चैप्टर में प्रथम पुरुष के बारे में डिस्कशन है। जैसे हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं कि 3 पर्सन होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे भी प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ये 3 पुरुष होंगे। हाँ और प्रथम पुरुष ना,
चला गया मोबाइल। देखो फिर कर लो ना, क्या कह के क्वेश्चन कहां है तुम्हारे भाई साहब? साथ तुम्हें आपको हेलो हाँ, तो जैसे इंग्लिश में तीन पर्सन होते हैं, यहाँ पे भी हाँ, यहाँ पे भी तीन पर्सन है। प्रथम पुरुष जिनको हम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के नाम से जानते हैं। और जैसे इंग्लिश और हिंदी में वचन दो होते हैं, पर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है जिसको हम द्विवचन बोलते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे द्विवचन लिखा है। तो यहाँ पे टोटल तीन वचन होते हैं संस्कृत में और तीन पुरुष होते हैं। और लिंग भी यहाँ पे तीन होते हैं, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, पुल्लिंग। प्रथम पुरुष में सह ये यूज होते हैं, सह। हेलो हाँ, प्रथम पुरुष में सह, हाँ सह, तौ, ते, ये तीन यूज करेंगे। सह मतलब वह, कोई भी लड़का या फिर पुरुष मेल, उसके लिए मस्कुलाइन के लिए हम सह करेंगे। और अगर वहां पे दो है, वे दोनों, हम जो बोलते हैं ना दे बोथ, तो वहां पे तौ यूज करना है। दो, कोई भी दो लड़के हैं या फिर दो मेल हैं, तो उनको हम तौ बोलेंगे। ते बोलेंगे दे ऑल, वे सब, उनके लिए हम बोलेंगे। वे सब लोग जा रहे हैं, वे खा रहे हैं, वे पी रहे हैं, तो वहां पे ते यूज करना है। मध्यम पुरुष होता है वो, उसमें भी त्वम होगा। त्वम मतलब तुम, यू, युवा मतलब तुम दोनों, यू बोथ, तुम दोनों काम करो। और यूयम मतलब तुम सब, यू ऑल। उत्तम पुरुष में होगा अहम, आई, आवाम हम दोनों, मत भी बोथ, और वयम मैं, ये तो हाँ पूछिए। एक्चुअली अभी जैसे आपने बताया कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तो इसे हम जैसे हिंदी में पढ़ते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ऐसे ही है? नहीं, वो वचन होंगे। हाँ देखिए, हम हिंदी में पढ़ते हैं ना एक वचन, बहुवचन, वो तो हो गए। प्रथम पुरुष, हाँ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष मैं इंग्लिश में बता सकती हूँ, हिंदी का मैं, मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। इंग्लिश में जैसे हम बोलते हैं ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यहाँ पे भी तीनों पर्सन मतलब तीनों पुरुष हैं, पर थोड़ा डिफरेंस है। इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन मतलब मैं होता है, पर यहाँ पे संस्कृत में फर्स्ट पर्सन मतलब वह है, प्रथम पुरुष मतलब वह है, लेकिन इंग्लिश में होगा प्रथम पुरुष मतलब आई। और वहां पे थर्ड और सेकंड पर्सन तो सेम ही रहता है इंग्लिश में। थर्ड पर्सन इंग्लिश में होता है सह, और यहाँ पे संस्कृत में थर्ड पर्सन मतलब अहम आ जाता है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, मुझे हिंदी का नहीं मालूम है हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश का बता सकती हूँ। हुआ क्लियर या फिर और कुछ डाउट है? क्लियर मैम। और अब आगे ये आपने सीख लिया है कि पर्सन के बारे में, ये इतने कर्ता होते हैं, इनको आप कर्ता भी कह लीजिए, सब्जेक्ट कि इतने ये होते हैं। अब ये सब्जेक्ट के साथ में जैसे हम इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बनाना होता है तो एटलीस्ट वर्ब और सब्जेक्ट ये दोनों तो चाहिए ही होते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ पे बिना, एक्चुअली यहाँ पे बिना सब्जेक्ट के भी वर्ब का यूज करेंगे ना तो मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो, नीचे इस टेबल में ये क्रियापद दिए गए हैं, उसमें भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन सब डाले हुए हैं। अगर मैं बोलती हूँ कि पठती, तो हर कोई मतलब, तो वहां पे मुझे मेंशन नहीं करना पड़ेगा कि पठती मतलब मैं पढ़ रहा हूँ या फिर तू पढ़ रहा है, नहीं, वहां पे एकदम क्लियर होता है पठती मतलब प्रथम पुरुष का एकवचन है, मतलब सह ही है, मुझे सह बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पठती बोलूंगी तो। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है, इंग्लिश में अगर मैं गो बोलूंगी तो वहां पे गो मतलब दे भी हो सकते हैं, वी गो, दे गो, यू गो,
कुछ भी मतलब हो सकता है, वहाँ तीन चार ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे पटती बोलेंगे तो आप सही करेंगे। हाँ ये हो सकता है कि थोड़ा जेंडर इश्यू हो जाए कि हाँ पटती मतलब लड़की के लिए भी सा होगा तो भी पटती होगा, लड़की है तो उसके लिए सा यूज करते हैं सा, तो वो भी उसके लिए भी पटती करेंगे। और कोई कंप्यूटर मतलब यंत्र को तत् है, तत् मतलब नपुंसक लिंग, तो उसके लिए भी तत् पटती ऐसा ही यूज करेंगे। अगर पठामी मैं बोलूं पठामी, तो मुझे यहाँ पे ये मेंशन नहीं करना पड़ेगा कि अहम पठामी, मैं पठामी बोलूंगी तो भी हर कोई समझ जाएगा कि हाँ अहम पठामी ये पूरा है। तो ये संस्कृत की विशेषता है। और आप ये ध्यान रखना कि जैसे ये यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है पठती पठता पठंती पठसी पठथा पठथा पठामी पठावा पठामा, इसको आप जो ऊपर जो दिए गए हैं ना सत उते आदि, वो एकदम आपके मतलब रेस्पेक्टिवली एकदम उसी ऑर्डर में ही आने चाहिए। जैसे प्रथम पुरुष में स दिया गया है तो उसके अंदर आपको क्रिया वर्ब हमेशा प्रथम पुरुष की ही लगानी होगी एक वचन की। अगर मध्यम पुरुष में मैं सब्जेक्ट बोलती हूँ त्वम, तो आपको हमेशा ही या नीचे मध्यम पुरुष की जो पठसी है एक वचन की वो ही क्रिया अप्लाई करनी पड़ेगी। आप त्वम यहाँ पे मध्यम पुरुष के एक वचन को यूज करके आप वर्ब आप पठाव पठामा यूज नहीं कर पाएंगे, वो गलत सेंटेंस हो जाएगा। तो ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इसको आप मतलब घर जाके एक बार इसको देख लेना कि ऑर्डर वही होना चाहिए। आप यदि आप सब्जेक्ट प्रथम पुरुष एक वचन बोल रहे हैं तो वर्ब भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही आएगी, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। किसी को कोई डाउट है इसके बारे में? नहीं मैडम अभी तक ठीक है। नो मैम। हाँ तो ये एक्चुअली ये पहला अभ्यास दूसरा अभ्यास, हाँ पहला अभ्यास दूसरा अभ्यास और तीसरे अभ्यास में इसी की ही पूरी चर्चा हो रही है। मैं सोची कि एक एक बताऊंगी तो टफ हो सकता है, इसलिए जो सर ने स्क्रीन मुझे भेजी थी वही मुझे ज्यादा सूटेबल लगी। चलते हम अब स्टार्ट करते हैं हमारा पहला अभ्यास। एक मिनट, स्क्रीन दिख रही है ना आपको? हाँ जी हाँ जी दिख रही है। कोई भी एक व्यक्ति आप रेस्पॉन्स कर लेना कि हाँ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ताकि मुझे मालूम अपडेट होता रहे कि हाँ भाई मेरा कोई सुन भी रहा है या फिर मैं खुद ही बोल रही हूँ। हाँ तो हाँ इसमें दिया गया है पहले अभ्यास में सबसे पहले आपको क वर्ग जो आवश्यक निर्देश में था ना कि शब्दकोश में क ख ग घ होंगे, यहाँ पे भी आपको मिलेंगे। देखिए क में पहले क लिखा है, फिर बाद में सह वह तौ ते कह ये सारे लिखे हुए हैं जितने भी शब्द वर्ड्स है। फिर देखिए यहाँ पे तीसरे लाइन के बीच में यहाँ पे ख लिखा है और फिर बाद में भू होना पठ पढ़ना गम जाना, ये सारे रूट्स हैं जो आप आवश्यक निर्देश में आप एक बार वापस पढ़ लेना, वहां पे जो निर्देश दिया गया उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ चल रहे हैं। फिर चौथी लाइन में लास्ट में स्टार्ट हो रहा है ग, ग में अव्यय है अत्र यहाँ तत्र वहां यत्र जहां कुत्र कहां किम, या घ कुछ नहीं है, यही सारे यही है। अब देखिए भू है, भू का जब हम वर्ब बनाएंगे, मैं आपको जो टेबल दी थी ना पठती पठता पठंती, भू का बनेगा भवती भवतः भवंती। और एक आप अगर एक सीख लेंगे ना तो बहुत सारे रूट्स के लिए वही रूल अप्लाई होगा। आपने पठती सीख लिया है तो आप भवती में आपको बता दूंगी आप पठती का कैसे चलाते हैं, वैसे ही भवती का चलाना। गम का गच्छती होता है, गच्छती गच्छता गच्छंती, उसके पठती अकॉर्डिंग सब चलाना। हस का हसती होता है। हाँ इस यहाँ पे जो ये टू है टू का,
देखिए यदि कोई डैश करके कोई चिन्ह होगा उसका अर्थ होगा तक। अगर जैसे एग्जांपल में यह दिया है, जैसे एक डैश दस है, इसका मतलब है एक से आठ। अगर इस पुस्तक में कहीं पे भी दो चीजें हैं और उनके बीच में अगर डैश लगा हुआ है, जैसे एक एक डैश दस, तो उसका मतलब होगा एक से दस। अगर आपको दिया गया है जैसे सहर डैश किम, तो इसका मतलब होगा सह से लगा के किम तक। हाँ, और इस तीसरे पॉइंट में लिखा गया है कि राम ग्राम, हाँ जो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं ना, ये सारे पुल्लिंग है, राम ईश्वर बालक मनुष्य नृप विद्यालय। तो मैं आपको थोड़ा बताऊंगी कि राम का शब्द कैसे चलता है। जैसे आप राम का शब्द चलाएंगे ना, वैसे ही ठीक वैसे ही ईश्वर या जो जो जितने ये ग्राम तक शब्द हैं, उनके सारे के सारे रूप वैसे ही चलेंगे। हाँ, तो मैं आपको बता दूंगी कि प्रथमा और द्वितीय में है, नहीं तो आप खुद ही एक बार 30 अभ्यास जहाँ कंप्लीट हो रहा है ना, उसके नीचे देखेंगे तो राम शब्द आ जाएगा। और वैसे भी सेंड करूंगी, मतलब मैं आपको शेयर करूंगी। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट में है कि, और हाँ जैसे पठती का हमने बताई हो ना, वैसे ही भवती जो भी यहाँ पे चार पांच रूट्स दिए है ना, उनके भी वैसे ही रूप चलेंगे। और हाँ, कुछ रूल्स है यहाँ पे जो ये दिए गए हैं, तीन रूल्स। इसमें है कि कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। देखिए जो मैं आपको बताई थी ना पहले कि अगर कर्ता स है तो क्रिया भी पठती, मतलब यही आएगी। इसका मतलब है कि कर्ता में जो पुरुष और वचन है, क्रिया में भी वो ही पुरुष और वचन होगा, यही तात्पर्य है उसका। या एग्जांपल भी देखिए, जैसे सह पठती है, कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है, अतः क्रिया भी जो पठती है वो भी प्रथम पुरुष एक वचन की है। और फिर दूसरा नियम है, तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है। देखिए इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में कभी कभी चेंज होता रहता है, पर यहाँ नहीं होगा। इंग्लिश में अगर हमको लड़का जाता है तो ही गोज बोलते हैं हम, लेकिन आई यदि मैं जा रही हूँ तो मैं बोलूंगी आई गो, तो वहां पे गोज और गो ये चेंज हो रहा है, पर यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे अगर लड़का जाएगा तो भी सह गच्छति, लड़की होगी तो भी सा गच्छति, और अगर कोई भी बस जा रही है तो भी ज्ञानम गच्छति, ऐसा ही होगा। तो जो ये गच्छति है ये कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है कि कर्ता में हमेशा प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीया होती है, ये तो हम जानते ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है, कुछ आपको उदाहरण के लिए वाक्य दिए गए हैं कि वह पढ़ता है, सब पठती, वे दोनों पढ़ते हैं, तौ पठतः, वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति, वहां क्या हो रहा है, तत्र किम भवति, ये एक बार देख लेना आप। आपको कुछ भी इसके बारे में कुछ भी डाउट होना तो पूछ लेना। और इसमें मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आप अभी उदाहरण वाक्य देखे उसमें देखे हैं, उसमें भी इस टेबल का ही यूज हो रहा है। वहां पे भी बोल रहे स पठती, तो पठतः, ते पठंती। तो आपको अगर आपके दिमाग में ये टेबल अच्छे से बैठ गई है ना, तो आपके लिए सब कुछ संस्कृत टफ नहीं होगी, इजी हो जाएगी। आपको लगाना आना चाहिए कि मैं जब सह यूज करूंगा, जब मैं प्रथम पुरुष एक वचन यूज कर रहा हूँ करता, तो मुझे क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन लगानी है, मुझे वहां पे दूसरा पुरुष या दूसरा वचन नहीं लगाना है। ट्राई करना जितना हो सकता है उतना, आप लोग इसके जो ये संस्कृत बना हुआ है इसके सेंटेंस बनाना। कुछ डाउट हो तो जरूर पूछना। और चलती हूँ, मैं जितना बताई हूँ मैं आपको देती हूँ, यहाँ पे तो आंसर भी दिए गए हैं शुद्ध वाक्य। हाँ,
किसी को कोई डाउट है? नहीं मैम डाउट कुछ नहीं है। क्या ये पीडीएफ प्राप्त हो सकते हैं? हाँ मैं सर से पूछे थे, वो बोले कि सभी को सेंड कर दिए हैं, मैं पूछ लूंगी, वो सेंड कर दिए आपको कर देंगे बाद में। मैम एक चीज और जानना चाहता हूं, मेरा स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। मैम एक सवाल है, मैम क्या क्लास का समय नहीं रहे? सभी को स्क्रीन शो हो रही है, मुझे ही नहीं हो रही है। स्क्रीनशॉट नहीं हो रही है आपको? मैम जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आपको, आ रही है मेरी आवाज। जी जी जी, क्या कक्षा का समय प्रतिदिन यही रहेगा? सर ने आज का बोला है, मुझे नहीं मालूम है, कल पूछ के बताती हूँ उनसे। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए आपको कोई भी डाउट हो आप पूछिएगा, और आपको लगे कि भाई और कुछ अलग तरीके से पढ़ाना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो बेझिझक आप पूछिए, ट्राई करिए, बस यही है। आप लोग ये जो पहले अभ्यास में बताई हो ना, एक मिनट में आपको पहले वो बता देती हूँ कि राम शब्द जो पहले अभ्यास के जो वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप पढ़िएगा। सबसे ज्यादा कमी, आपका क्वेश्चन मुझे सही से सुनाई नहीं दे रहा है। मतलब हमारे धरती में सबसे ज्यादा कमी किस चीज की होती है? कमी अभी तो मैं बोलूंगी कि अभी तो पेड़ों की कमी है, क्योंकि अभी हम एनवायरनमेंट को नहीं समझ रहे, इसलिए बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बुद्धि की कमी है, लोगों के बुद्धि की कमी है, वो अपने स्वार्थ के कारण। आप मुझे पर्सनल पूछ लेना, देखिए संस्कृत से रिलेटेड यहाँ चर्चा होगी, तो आप कृपया जो संस्कृत कुछ क्वेश्चन है ग्रामर नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटेड पूछेंगे तो अच्छा होगा। देखिए यहाँ पे राम शब्द दिया गया है, मैं आपको वर्ब का बता चुकी हूँ कि पटती पटता पटंती ऐसे चलेगा। अगर कोई शब्द है अकारांत और पुल्लिंग है, जैसे राम यहाँ पे दिया है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, कृष्ण, रमेश, सुरेश, राकेश, तो उनके भी इसी की तरह ही चलेंगे। राम ये थोड़ा कट हुआ है यहाँ पे, मैं आपको नहीं तो ये ग्रुप में भेज दूंगी इसका सही से एक फोटो। तो प्रथम यहाँ पे थोड़ा कट हो गया है, ये जो राम राम रामा है इसके ऊपर आप भले ही लिख सकते हैं कि राम एक वचन, वो राम वाली लाइन है ना, राम रामम रामेण राम, ये इसके ऊपर लिख देना एक वचन, और रामो रामो रामाभ्याम ये जो लाइन है इसके ऊपर द्विवचन लिख देना, और रामा रामान रामे ही रामेभ्य इसके ऊपर आप बहुवचन लिख देना, और हर जैसे राम रामो रामा है इसके आगे प्रथमा विभक्ति लिख देना, दूसरे लाइन ऐसे कंटिन्यू करते रहना, मैं आपको वो भेजूंगी, द्वितीय विभक्ति तृतीय विभक्ति, और उसके अकॉर्डिंग याद करना, ये बहुत हेल्पफुल होगा। एक आपको याद करना पड़ेगा, आप अकारांत राम कर लेंगे ना तो दुनिया के लाखों शब्द के रूप आसानी से आप उसके रूप चला पाएंगे, तो इतना करना आप। और अभी जो मैं आपको सिखाई हूँ वो प्रथमा पुरुष का ही है, राम रामो रामा इसमें ही चलेगा, जो सतव ते बताई हूँ ना वो यही वाले है। राम गच्छति, रामो गच्छतः, रामाः गच्छन्ति, ये है। आगे आपको और बताएंगे जब का मतलब ये कॉन्सेप्ट और आगे चलेगा, तो कल आप एक मिनट, कल आप लोग की पहले भी क्लासे होती थी ना इसकी? मैम टोटल दो क्लासे हुई है, दोनों में डिफरेंट टीचर थे। अच्छा देखिए अब मुझे देखिए आप लोग कोई सजेशन देना चाहे तो दे सकता है कि यहाँ पे अभ्यास है, ऑफलाइन नहीं है तो थोड़ा टफ होगा कि मतलब ऑनलाइन में मैं कैसे आप लोग को करेक्शन कर पाऊंगी। जैसे देखिए यहाँ पे संस्कृत बनाओ वाक्य दिए गए हैं,
है ना, तो क्या करूं मैं कि, या फिर सर से पूछते हो आप लोग का कोई, यदि आप लोग कुछ सजेशन देना चाहे तो दे सकता है कि मैम जैसे ये अभ्यास है तो हम लोग जैसे आपने पढ़ाया अभी बताया तो करेंगे, फिर जब हर व्यक्ति एक एक बोलेगा सेंटेंस जहाँ करेक्शन हो आप बता देना कि ये गलत है ये सही है, तो हमारा अभ्यास भी पूरा हो जाएगा और हमें नॉलेज भी होगा। बाकी लोग अपना सजेस्ट करें कैसे होगा, क्योंकि मान लीजिए हमने बना लिया अपना और हमें पता ही नहीं कि मेरा गलत है कि सही है, तो करेक्शन तो आपको करना पड़ेगा मैम। हाँ, तो मैं खाली थ्योरी बताऊंगी और अप्लाई नहीं होगा तो फिर वो तो हाँ हम लोगों को फिर कुछ समझ नहीं आएगा कि हमने गलती कहाँ की है। तो हर बंदा एक एक सेंटेंस बोलता जाएगा, जैसे वह पढ़ता तो साफ पठा थी, कुछ लोग पढ़ता भी कर देंगे जैसे उसको नहीं पता होगा, तो ऐसे करेक्शन हो जाएगा तो हमारा अभ्यास भी पूरा होगा और हमें समझ में भी आएगा हर चीज। हाँ, ये भी सही है। तो मतलब मौखिक के होना मतलब ओरली होना या फिर लिखावट, क्योंकि लिखने के लिए जैसे आप बताएं जो रूल्स बताएंगे उसको हम करके लाएंगे। जैसे आप बताएंगे ना, जैसे आज हमने सा पठता पठती आपने जो चार्ट बताया उसको हम करेंगे अपने आप, जहाँ गलती होगी उसको आप करेक्ट करना, एक एक सेंटेंस सब लोग बोलेंगे और हम करेक्शन करते रहेंगे, बना के लाएंगे हम अपने कुछ सेंटेंस सब लोग और आप करेक्ट करते। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, दूसरे ने दूसरा सेंटेंस बोला, तीसरे ने तीसरा सेंटेंस बोला और बाकी लोग अपना म्यूट रखेंगे, जो बोलेगा बस वही अनम्यूट करेगा अपना, तो आपको भी पढ़ाने में सही रहेगा। क्योंकि एक्चुअली मेरा भी पहली बार है तो मुझे खुद को नहीं मालूम है, ऑफलाइन हो तो मालूम, चलो मैं चेक कर सकती हूँ कि कहाँ कर मिस्टेक हो रही है। देखिए यहाँ पे जो आपको संस्कृत बनाओ करके दिया है ना, उतने सेंटेंस आप कृपया बना के आइएगा, और अशुद्ध वाक्य है ना उसको भी एक बार पढ़ लेना, उसको है ना आइडेंटिफाई करना कि अशुद्ध वाक्य क्यों है। जैसे कि रामम ग्रामः गच्छति, कोई बता सकता है कि ये कैसे अशुद्ध वाक्य है? रामम द्वितीया विभक्ति है, रामम द्वितीया विभक्ति मतलब प्रथम द्वितीया विभक्ति एक वचन है और रामः गच्छति जो है ये बहुवचन है। तो होना क्या चाहिए, मतलब कैसे ही अशुद्ध हो गया है यहाँ पे? रामः गच्छति होगा ना, जैसे सः पठति तो रामः गच्छति, ठीक है। हाँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे पहली बात तो रामः नहीं है और रामः नहीं है, और अगर आप क्या नेटवर्क कीजिए, नेटवर्क चेक कीजिए और आप क्या कर रहे हैं? हाँ, तो देखिए। हेलो मैम। हाँ हाँ बोलिए मैम। क्लास की गरिमा को प्लीज बनाए रखिए, वो जो दुबे दुबे हैं वो स्टार्टिंग से ही डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपने बच्चे को पकड़ा दिए मोबाइल, उनको आप लेफ्ट कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए ना क्लास से। एक्चुअली कैसे म्यूट करना है और बिना पूछ मतलब कुछ दस बार म्यूट हो रहा है, तुमको फिर रिमूव कर देना। स्वर्णा यादव मैम कौन है जो बार बार उनको म्यूट कर रहे हैं, उनको रिमूव कर दे, क्योंकि उनकी पेरेंट्स मोबाइल नहीं रखे, बच्चे को पकड़ा दिए उनकी वजह से सबको डिस्टर्ब हो रहा है। यस मैम, लेफ्ट ही कर दीजिए, म्यूट करने से कुछ नहीं होगा, लेफ्ट कर दीजिए आप। जी मैम, इतना सुन रहे हैं और बात डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको खुद को समझ होना चाहिए कि बच्चे को मोबाइल क्यों पकड़ा है, जब खुद क्लास अटेंड नहीं करना है तो बंद कर दें। हाँ चल, हाँ जो यहाँ पे आगे से प्लीज कल से मैं सच में कर लूंगी, आज वार्निंग है, कल से फिर आप बाद में बुरा मत मानना कि हमको म्यूट कर दिया गया है, और फिर बाद में कंप्लेंट मत करना कि मैम मतलब हम अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। नो मैम, ऐसा कुछ नहीं समझेंगे मैम, जरूरी ये सब करना क्योंकि ये कोई मजाक नहीं हो रहा है यहाँ पे। मैं हाँ कल तो वर्ब भी आपके प्रथम पुरुष एक वचन की होनी चाहिए, ऐसे ही सेकंड सेंटेंस है तौ पठति, बताइए यहाँ पे क्या आना चाहिए और क्या गलती है? मैम क्रियापद गलत है यहाँ पे। हाँ राइट, क्रियापद कैसे गलत है आप मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करिए।
अभी आपने बताया ना पठति पठतः, तो वैसे सा तौ तौ पठतः, तो तौ पठता होगा। अगर पठति लगाते तो यहाँ पे सह पठति होता, न कि तौ पठति होता। तीसरा सेंटेंस है बालकौ बालको विद्यालय गच्छति गच्छन्ति सॉरी गच्छन्ति, यहाँ क्या मिस्टेक है? मैम जो बालको पद है वो बालक है, एक्चुअली बालक यहाँ पे संधि होके बालको बना है। बालक विद्यालय गच्छन्ति करके है ना, तो इसका सही रूप क्या होगा? मैम शायद बालक विद्यालय गच्छन्ति होगा। हाँ या फिर तो हम हाँ यहाँ पे बालकाः विद्यालयम् गच्छन् बालकाः विद्यालयम् गच्छन्ति। हाँ या फिर तो बालिका विद्यालय विद्यालय अपि भवति विद्यालय अपि भवति बट मतलब विद्यालये बालकाः विद्यालये गच्छन्ति विद्यालय। देखिए मैं आपको आगे बताऊंगी कि विद्यालयम ही होगा, विद्यालय नहीं विद्यालय या फिर विद्यालय नहीं होगा। यहाँ पे इसका अगर हम हिंदी बनाए कि बालक स्कूल को जाता है, बालक स्कूल को जाता है। हाँ पूछिए जी। यहाँ पे जो बालक है ना ये प्रथमा विभक्ति का मतलब वो द्विवचन में है, तो यहाँ पे बालको विद्यालय में गच्छता ही होगा। हाँ हाँ करेक्ट, यस यस हाँ सॉरी हाँ करेक्ट। तो बालको इन्होंने एक मात्रा और में दी है तो इसके कारण ही अशुद्ध हो गया है, बालको विद्यालयम गच्छतः ऐसा होगा, क्योंकि बालको ये प्रथम पुरुष द्विवचन का है और क्रिया भी हमारी प्रथम पुरुष द्विवचन की ही आएगी। रही बात आप जो विद्यालय का बोल रहे हैं, विद्यालय कर्म है और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ पे ये दिया गया है ना नियम तीसरा कि कर्ता में प्रथमा होती है और कर्म में द्वितीय होती है। जो आप राम की टेबल पूरी याद करेंगे ना, राम रामो रामा रामम, जो रामम रामो रामान द्वितीय विभक्ति होगी ना वो कर्म में यूज होगी। ये है और चौथा सेंटेंस है यत्र गच्छन्ति तत्र हसति, यहाँ पे क्या मिस्टेक है और क्या करेक्शन ये बत्तीस की थोड़ा एक्सप्लेन करिए इसको। मैम हसंती भी बहुवचन में आएगा। हाँ या फिर तो आप दोनों को बहुवचन करिए, नहीं तो दोनों को एकवचन करिए। हम हिंदी में ये नहीं बोलते हैं ना कि हिंदी में ये कभी नहीं बोलते हैं कि वे जहाँ जाते हैं वहाँ हंसता है, या फिर वो जहाँ जाता है वहाँ हंसते हैं। अगर दो सेंटेंस के बीच में लिंक है तो दोनों के वर्ब एक ही मतलब वचन की और पुरुष की होती है, तो वो यही है। देखिए आपके जो भी मदर टंग हो ना आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, उससे ना आपको एक लैंग्वेज जानने का भी मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और आप बहुत इंटरेस्टेड हो जाएगी वो लैंग्वेज। अगर आप कंपेरिजन करते हैं आपकी मदर टंग की और संस्कृत लैंग्वेज की, आपको डिफरेंस मालूम पड़ेगा और इंटरेस्टेड लगेगी, वो बोरिंग नहीं लगेगी आपको। और फिर नियम बताओ तो ये आपको ये कोई चलो स्टार्ट करते हैं। सह पठता है तो इसको शुद्ध करना है, कौन करेगा? कोई भी एक करो बताओ क्या होगा, सह पठता का शुद्ध रूप क्या होगा? मैंने क्रिया भी जो है वचन। हाँ और नियम पठती हो जाएगा। हाँ सब पठती हो जाएगा और नियम कौन सा लगेगा इसके अंदर? देखिए नियम नंबर वन गुड, पहला कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन पुरुष होता है। हाँ हाँ तो यहाँ पे भी जो करता है जो हमारा सब्जेक्ट क्या है स है, तो उसका जो वर्ब हो वो भी पठती ही होगी उसके अकॉर्डिंग। स पठंती है यहाँ पे क्या इसका शुद्ध रूप करिए और नियम बताइए इसका भी। इसमें भी साफ साफ पठती ही होगा मैम, प्रथम नियम और नियम नियम कौन सा लगेगा? तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है, कर्ता प्रथमा होता है, कर्म पहले ही वाला होगा मैम इसमें। हाँ पहले ही होगा तो पठती है यहाँ पे क्या होगा?
पटता हाँ तो पटता होगा रूल कौन सा लगेगा कर्ता दो वचन का है तो क्रिया भी दो वचन की होगी हाँ तो पहला नियम पहला ही लगेगा देखिए ये जो नियम है ना इसको आप अपने दिमाग में बिठा लेना आपको कोई भी डाउट हो तो पूछो इनको इनको क्योंकि बहुत बेसिक चीजें हैं ये अगर पकड़ में आ गई ना तो आगे आप बहुत टफ भी आराम से समझ पाएंगे मैम जैसे हम लोग सबकी साइड प्रॉब्लम होगी जैसे मान लीजिए हमने बोला तो पटता कुछ गलतियां भी होंगी लिखने में कुछ लोगों को ऐसे बोलने में तो ठीक लग रहा तो वो रिटन मेथड कैसे करेंगे आप उसको चेक भी कर पाए वो ऐसा क्या सलूशन निकाले जैसे हमने एक अभ्यास में बोलते रहे सब लोगों की यही प्रॉब्लम होगी मुझे लगता है जैसे मैंने बोला दूसरे ने दूसरा सेंटेंस बोला सुनने में तो ठीक लग रहा है हो सकता है लिखने में गलत हो जाए तो वो हम कैसे अपना करेक्ट करेंगे देखिए या कोई एक बंदा जैसे मतलब कोई एक दिन उसको ग्रुप में डाले कुछ ऐसा करें ताकि सबका करेक्शन भी होता रहे और हम सीखते भी रहें रिटन मेथड भी जरूरी है मैम बोलने के साथ मैडम मेरा क्वेश्चन है जिनको संस्कृत पढ़ने नहीं आती तो उनके लिए क्या ऑप्शन है संस्कृत पढ़ने आपको हिंदी आती है पढ़ने हिंदी आती है पढ़ने तो देखिए लिपि वही है आपको अगर हिंदी आती है तो संस्कृत पढ़ने भी आती है पर ये बात है कि कहाँ विसर्ग है जहाँ आपको संस्कृत में थोड़े विसर्ग मिलेंगे तो आप उसमें ह का यूज करना जैसे स है तो सह पठता ह का यूज करना है और सेकंड है कि आधे अक्षर के शब्द होंगे तो वो प्रैक्टिस से होंगे आपको जहां जहां डाउट हो रहा है ना कोई हिंदी लिपि तो कोई उतना कोई टफ नहीं है आप प्रैक्टिस से होगा कोई शब्द आपको उच्चारण नहीं करना आ रहा है तो आप व्हाट्सएप में भेज देना कि इसका उच्चारण कैसे करना है तो आपको मतलब बता दूंगी मैं जैसे हम मंत्र पढ़ते हैं उसमें हमारे बहुत सारी त्रुटियां होती हैं वो उसको सुधार करना चाहते हैं उसका सुधार तो आपको वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़नी पड़ेगी मतलब तो आप ये वर्णोच्चार नहीं सिखाओगे देखिए फिर वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा आप है ना आप मैं क्या कर आप दो तीन रूल्स को फॉलो करिए तो आपकी थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी आप है ना आप कोई भी वाक्य कोई भी एक शब्द पढ़ो ना तो उसमें जिस अक्षर को जितनी मात्रा देनी चाहिए ना उतनी देना जैसे एग्जांपल के तौर पे बोलती हूँ कि ममता शब्द है हमारे नॉर्थ में कोई भी ममता नहीं बोलता है सारे लोग खा जाते हैं मात्राओं को ममता बोल देंगे ममता एक्चुअली वो ममता नहीं है वो ममता है तो आप देखना कि आप जो भी पढ़ रहे हैं ना अगर अ की मात्रा है तो अ की मात्रा दो आ की मात्रा है तो आ की मात्रा उसके अकॉर्डिंग मतलब मात्रा देते रहो तो आपकी वो इम्प्रूव होगी और दूसरा कि श स श वो एक्चुअली सर थोड़ा मैं सर के बारे में पूछूंगी इसके बारे में यही है मैम यही है कि शब्दों को मात्रा दो और प्रैक्टिस करो उससे ही होगा आप सुनो एक काम करो नहीं तो आप है ना स्तोत्र होते हैं जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है और भी बहुत सारे सॉन्ग्स है संस्कृत के उसको सुनो हाँ उसको सुनेंगे और आप जो पढ़ रहे हैं ना तो डेफिनेटली ऐसा होगा कि आप जो स्तोत्र सुन रहे हैं उसके शब्द आपके पढ़ाई में भी आते होंगे तो सुनने से आपको उसका प्रोनाउंसिएशन मालूम पड़ जाएगा कि हाँ मंत्र शब्द होता है मंत्र शब्द नहीं होता है तो वैसे एक करेक्शन का ये भी माध्यम है अच्छा तो ये आप मतलब इनिशियल नहीं पढ़ाओगे मतलब ये है मेरा कहने का क्योंकि हमें तो देखो संस्कृत आती नहीं बिल्कुल जैसे मंत्र पढ़ते हैं वो उसमें कितनी बहुत सारी त्रुटियां होती हैं तो उसको ठीक करने के लिए हम संस्कृत सीखना चाह रहे थे पर एक्चुअली सर ने बोला था कि ग्रामर सिखाना है पर उन्होंने या सभी लोगों को इनिशियल से सिखाना है या फिर एक दो लोग आप शुरू से सिखा देंगे बेस अच्छा हो जाएगा हम लोगों का तो पूर्णता हो जाएगी बराबर चलेंगे तो यहीं से काफी सारी चीज क्लियर हो जाएंगे अगर जो हमें शुरू से नहीं पता होगा तो हम आगे कैसे सीख पाएंगे मैडम
देखिए आप, आप सुनिए, देखिए आप है ना, स्तोत्र सुनिए, म्यूजिक कोई संस्कृत का म्यूजिक हो वो सुनिए। आप तो हमें एकदम एमए की क्लास में बिठाना चाह रही हैं, हमें उसका इनिशियल का ही पता, फंडामेंटल का ही चीज का पता, तो हम एमए की क्लास में कैसे बैठ जाएंगे? शिवाजी, शिवाजी, ये फंडामेंटल आपके प्रारंभ हो रहे हैं, फंडामेंटल की क्लास है जी। हरिओम महोदया, महोदया क्या मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकती हूँ कि अगर आपकी इजाजत हो तो? देखिए सर, आपके लिए अगर आपका सच में इंटरेस्ट है इसमें तो हमारे यहाँ संस्कृत भारती सुना होगा आपने, आरएस के माध्यम से है तो वहाँ पर सिखाते हैं। प्रथम दीक्षा नामक एक किताब है, कोर्स होता है, एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है और एक अपना मतलब पांच दीक्षाएं होती हैं, तो प्रथम दीक्षा, द्वितीय दीक्षा, तृतीय दीक्षा ऐसे होता है ना, तो उसमें बेसिक आपको बहुत अच्छा जो उन चीजों को पढ़ लेगा तो वो मतलब संस्कृत को एक धारा प्रवाह के साथ बोल सकेगा, वो मतलब संस्कृत में बात कर सकेगा। एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी करवाते हैं, सभी ऐसे अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ले लेना और उस पे मैं आपको बता दूंगी क्या करना है। ठीक है, मेरे को मैडम कॉन्टेक्ट नंबर दे देना। हाँ जी, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 9416 कॉन्टेक्ट नंबर, आपका नंबर बोल दो, मैं लिख रही हूँ अपना कॉन्टेक्ट नंबर ना। हाँ जी, हाँ फिर जी, ये तो हमें, ये जो क्लास आप मैंने आज फर्स्ट टाइम अटेंड की है तो हमारे लिए तो ये कोई यूजफुल नहीं, फिर हमें छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं, आपको जो एक हमें फंडामेंटल का नहीं पता कोई चीज का, भाई आप क्या क्या कर रही है क्या नहीं, हमें क्या पता चलेगा, तो क्लास लेने का हमारा समय व्यर्थ करने का कोई फायदा नहीं इसका। सही, या तो आप फंडामेंटल से सिखाओ, हम तो फंडामेंटल के लिए बोल रहा था आपको, हमें संस्कृत पढ़नी नहीं आती बस। देखिए सर, अगर सभी की रिक्वायरमेंट है तो मैं वो जरूर करूंगी, पर क्योंकि मुझे आगे से यही बोला गया था कि आपको खाली रचनानुवाद कौमुदी करवानी है तो यहाँ पे कोई ग्रामर के वो प्रोनाउंसिएशन का कोई रूल्स ऐसा कुछ है नहीं, तो वो मुझे नहीं लगा इम्पोर्टेंट। अगर आप रिक्वेस्ट करें सर से कि हाँ हम सभी को पढ़ना है तो मैं वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ाने को तैयार हूँ। ठीक है मैडम, हम तो रिक्वेस्ट कर देंगे, देखो फिर, नहीं तो फिर हम ये क्लास तो हम कोई अटेंड करने का हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। नहीं, आप सही बोल रहे हैं। हाँ बोलिए, कोई बोल रहा था ना? जी मैम, बोल रहा शिवाजी, जो ये प्रारंभिक रचनानुवाद कॉमेडी है, ये जैसे अभी संस्कृत को जानने के लिए, बोलने के लिए, समझने के लिए, मतलब सामान्य तौर पर हम बोल चाल में कैसे संस्कृत को उतार सके, तो उसके लिए काफी अच्छी क्लास है, क्योंकि प्रारंभिक रचनानुवाद कॉमेडी जब आप उसकी पीडीएफ देखेंगे तो आप इसको पढ़ने मात्र से काफी सारी चीज आप अपनी क्लियर करते जाएंगे, मंत्र इत्यादि भी अगर आपको पढ़ने हैं तो आप कर सकते हैं। हाँ सर, आप अगर वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ेंगे ना, उसमें भी वो यही बताने वाले हैं कि शब्दों को जितनी मात्रा देनी है उतनी आपको देनी पड़ेगी, आप खा नहीं सकते या फिर एक्स्ट्रा नहीं बोल सकते हैं। अगर देवदत्त शब्द है तो आप उसको देवदत्ता भी नहीं बोल सकते हैं, देवदत्त भी नहीं बोल सकते हैं, हर शब्द को उसकी मात्रा आप ध्यान रखेंगे ना तो आपकी 90% लैंग्वेज सही हो जाएगी, आप मंत्र आराम से पढ़ेंगे और हर चीज प्रैक्टिस से ही आएगी, एकदम आप सोचेंगे कि एक महीने में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो प्रैक्टिस तो करेंगे जब हमें कोई रूल का फॉलो करेंगे जब ही तो प्रैक्टिस होगी उसमें, भाई ये चीज है ऐसे बोलना है, कै को कै बोलना है, कै को खै को खै बोलना है, अब हमें वही पता है फंडामेंटल का। हाँ सही है, आपका भी सही है, नहीं तो फिर ये वेस्ट होगा आपके लिए, फालतू समय वेस्ट होगा हमारे लिए। तो आप एक बार पूछ लीजिए, जो आप मैम ने कांटेक्ट नंबर दिया है आपको वहाँ पे मिल रहा है कोर्स, तो वो आप ज्वाइन कर लेना। मेरे को कांटेक्ट नंबर मैडम का दे, प्लीज सेंड कर देना। मैम एक बार कांटेक्ट नंबर बोल दीजिए। मैम ने मैसेज में पिन कर दिया है, आप लोग वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए आज जो मैं आपको पढ़ाई हूँ ना, आप इसके संस्कृत बनाओ ये वाला पूरा करना, आपको मतलब कैसा भी हो रहा है डरना मत कि कैसा हो रहा है, लिख कर लेना,
कल मैं आपको पूछने वाली हूँ इंडिविजुअल के, इसमें पूछ सकती हूँ कि वह पढ़ता है और किसी का नाम लेके बोल सकती हूँ बताओ इसका संस्कृत में क्या बनेगा। आप डरना मत, बेहिचक बोलना, कोई हंसी मजाक क्या नहीं उड़ेगी आपकी, आपका करेक्शन ही होगा हो यहाँ पे, और ये कर लेना। और शुद्ध वाक्य ये तो हो गए हैं, और आपका आज होमवर्क है कि जो मैं आपको दो टेबल्स दी हूँ ना, उसको आप अपने आप उसको अच्छी तरह दिमाग में डाल दो, कैसे भी आप, या फिर तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मैं आपको स पठति तो पठतः, ते पठन्ति त्वं पठसि, युवाम पठतः, यूयम पठतः, अहम पठामि, आवाम पठावः, आवाम वयम पठामः।